पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आइए साइंस बायो का अगला चैप्टर शुरू करते हैं, रुधिर परिवहन तंत्र, जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। रुधिर ब्लड की संरचना, एक तरल संयोजी ऊतक जिसमें प्लाज्मा आरबीसीएस लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसीएस श्वेत रुधिर कणिकाएं और चौथे नंबर पर प्लेटलेट्स है ये। ठीक दोस्तों, आइए प्लाज्मा शुरू करते हैं। प्लाज्मा में जल 90% होता है, रंगहीन तरल अधिकांश भाग जल, कार्बन डाइऑक्साइड हार्मोन्स यौम अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करता है, लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी प्रोटीन निर्मित होता है। आइए अगला देखते हैं, आरबीसीएस, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, ये प्लीहा में विनाश होता है इसका। आइए देखते हैं, अस्थि मज्जा में विकसित होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को अन्य अंगों तक पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। आइए WCS देखते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं संक्रमण से रक्षा करती हैं। और प्लेटलेट्स शरीर में रक्त स्त्राव रोकती है। आइए अगला देखते हैं, रुधिर के कार्य विविध पदार्थों का परिवहन जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हार्मोन, रोगों से बचाव, विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने में, रुधिर त्वचा की रुधिर वाहिनियों में बहकर ताप का नियंत्रण करता है। आइए देखते हैं अगला, रुधिर का थक्का जमना, इसका विवरण हावेल ने दिया फाइब्रिनोजन थ्रॉम्बिन के द्वारा फाइब्रिन जब आरबीसीएस इसमें जुड़ जाता है तो रुधिर का थक्का जम जाता है। आइए रक्त के प्रकार देखते हैं, जो बहुत जरूरी है इसको समझना। रक्त के प्रकार कार्ल लैंड स्टीनर रुधिर को 4 वर्गों में बांटा है, कौन कौन, ए बी ओ। आइए ये शुरू करते हैं, रुधिर वर्ग अगर ए है तो एंटीजन ए होता है, इसमें एंटीबॉडी बी होता है, ए जो है वो ए से रक्त ग्रहण करेगा और ए बी को रक्त दे सकता है। ये बी रुधिर वर्ग एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, ओ बी से रक्त ग्रहण करेगा और बी और ए बी को देगा। ए बी भी ऐसे ही है, ए बी में ए और बी एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी कोई नहीं होता है, याद रखिएगा। ये रुधिर ग्रहण वो ए बी सबसे करेगा लेकिन केवल रुधिर ए बी को देगा। आइए अगला देखते हैं, ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी ए बी, वो ब्लड ग्रुप इसमें ये ओ से ब्लड ले सकेगा और ओ ए बी को दे सकेगा, इसीलिए ओ को सार्वत्रिक दाता बोला गया है और ए बी को सर्वग्राहक बोला गया है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, रुधिर वर्गों की वंशागति, मेंडल के अनुसार माता पिता के रुधिर वर्ग अगर माता के ओ पिता के ओ हो तो संतान जो संभव होगी वो ओ होगी, असंभव क्या क्या होंगे, ए बी। वैसे अगर वो ए है और ए है तो संभव संतान ओ और ए होंगे, असंभव बी और ए बी होंगे। अगला देखते हैं, अगर वो बी है बी बी है तो संभव ओ बी और असंभव ए बी, अगर ए बी है तो संभव ओ ए बी, असंभव कोई नहीं, अगर वो है
ए बी है तो संभव ए बी असंभव ओ ए बी। अगर ए है ए बी है, बी है ए बी है, ए बी है ए बी है, तो संभव ए बी ए बी असंभव ओ। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आर एच एंटीजन लैंड स्टीनर तथा वीनर ने रीसस बंदर के रुद्राणु पर एक विशेष प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। वो एंटीजन क्या था? आर एच उस फैक्टर कहा या आर एच एंटीजन उसको कहा गया। आर एच प्लस में एंटीजन होता है, आर एच माइनस में नहीं होता है। आर एच प्लस में 85%, आर एच प्लस 85% लोगों में होता है। आर एच प्लस के कारक का संतान पर प्रभाव, पिता आर एच प्लस है, माता आर एच प्लस है, तो होने वाली संतान आर एच प्लस सामान्य होगा। पिता आर एच माइनस, माता आर एच प्लस, तो संतान सामान्य आर एच प्लस। पिता आर एच माइनस, माता आर एच माइनस, तो संतान भी आर एच माइनस होगा। अगला देखते हैं। आर एच प्लस पिता, माता आर एच माइनस, तो पुत्र आर एच प्लस अगर हुआ तो शिशु में इरिथ्रोब्लेस्टोसिस फिटेलिस होने का खतरा रहेगा। आइए दोस्तों, मस्ट इम्पॉर्टेंट एक ब्लड ग्रुप है उसके बारे में आपको बताते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसे यच यच ब्लड टाइप भी कहते हैं। डॉक्टर वाई एम भेंडे ने इसकी खोज की। यह ब्लड ग्रुप सबसे पहले बॉम्बे में पाया गया, इसीलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी रखा गया है। इसमें एक यच एंटीजन नहीं होता है, इसे मदर एंटीजन भी कहते हैं। भारत में 10,000 लोगों में से एक में पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। केचुआ, कुछ तथ्य हैं जो मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। केचुआ के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है। रक्तदाब का मापक यंत्र स्फिग्मो मैनोमीटर होता है। रक्तदाब वृद्ध व्यक्ति का बढ़ जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।